उड़ा उड़ा लो कर रखोगे पटक लो इधर। ये तालाब ऐसे ही बने जाते हैं ज्यादातर गांवों में, मतलब जहाँ हाईवे बनना होता है तो कहीं ना कहीं तालाब बन जाते हैं। और ये हाईवे बिल्कुल अपनों को सामने नजर आ रहा है और गाड़ी हुई है टोटली 8 पॉइंट हुई है, अभी 1 किलोमीटर नहीं हुआ। जी तो लगी हुई है यहाँ पर और पाइप डालने ओनली 20 और 20 फिट के पाइप हैं 20, तो बन रहा है व्लॉग के अंदर। देखो और यहाँ गाड़ी है बेहद ही शानदार थी, स्कॉर्पियो एन देख रहा हूँ आप कितनी खर्री लगती है, शानदार 20 फिट वाला आ जाएगा नहीं देखा कितने लंबाई की तो टेंशन नहीं है अपनी लंबाई की। तो एक छोटा सा लोड आया था स्पीकर उड़ा के लेके आना, क्योंकि आजकल स्पीकर शादी ब्याह का मामला हो गया तो छोटे मोटे लोड ही अपने को मिलते रहेंगे, तो मैं शॉर्ट के जरिए इन्हें डालता रहूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल एंड बॉबी लॉग बाइक। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एक नंबर एंजॉय कर रहा हूँ, बेहतरीन से इनकम कर रहा हूँ जैसा मैं कर रहा हूँ। भाई आपन शुरू हो गए हैं अपने लोड को लेके, दिखाता हूँ मैं आज क्या लोड है अपने पास, तो बने रहा है व्लॉग में। ठीक है, आज ये गाड़ी भाई अपनी जीतो मैंने बाहर निकाल के रखी हुई है सुबह से, आज मैं गया था एक छोटा सा लोड डालने जिसका मैंने एक शॉर्ट ही बनाया ओनली, वो मैंने डाला हुआ है जाके आप देख लीजिएगा, केरल पे डाला। छोटा सा लोड आया था स्पीकर उड़ा के लेके आना, क्योंकि आजकल स्पीकर शादी ब्याह का मामला हो गया तो छोटे मोटे लोड ही अपनों को मिलते रहेंगे, तो मैं शॉर्ट के जरिए इन्हें डालता रहूंगा, ये भी आप लोग देखते रहिएगा। सुबह 8:30 बजे चला गया था मैं वो लोड लेके। ठीक है, तो बना रहा है व्लॉग के अंदर, अपन चल रहे हैं ये वाले लोड पे, लाइक कर दो अभी फटाफट। देखो असल में क्या है कि जिस 20 फीट का जो पाइप आप ले जा रहे हैं भाई, उसके लिए तो फिर वो आइसर चाहिए अगर पूरा रखा है, आइसर का वो होगी क्या, अपन छोटी गाड़ी पे इसलिए तो जाते हैं वो रखने के, कम रेट में पड़ जाती है गाड़ियां हमारी। वापस से आ गए हैं काफी दिनों बाद, यहाँ का अपनों को लोड मिला जैसे कि आपने देखा भाई, अपनी जीतो लगी हुई है यहाँ पर और पाइप डालने ओनली 20 और 20 फिट के पाइप हैं 20, तो बन रहा है व्लॉग के अंदर। देखो और यहाँ गाड़ी है बेहद ही शानदार थी, स्कॉर्पियो एन देख रहा हूँ आप कितनी खर्री लगती है, शानदार।
मजा आ जाता भाई इसे देखने में। तो ये अपनी घड़ी जीतो, तो बने रहें व्लॉग के अंदर, फिर बोल रहा हूँ, और देखते रहें अपना शानदार सा व्लॉग अपनी जीतों के साथ। असल में क्या है कि अभी फिर मैंने भाई से बोला था कि भाई अगर अपन 20 फीट का पाइप अगर पूरी जैसे अपनी गाड़ी जीतो है तो 10 फीट की भी टोटल होती नहीं है ये, मेरे हिसाब से 7-8 फीट ही हो जाती है ये ऊपर केबिन मिला के। तो अगर अपन मैजिक रखेंगे और उसमें आएगा पिकअप में रखेंगे तो पिकअप में आएगा, अगर आप चाहें तो पूरा भाई सलंग लेके जाएं तो पिकअप का लोड भी बहुत, भाई हर कोई उसे हायर नहीं कर सकता क्योंकि पिकअप में जो लोड अपन ये लेके जाएंगे वो जो अपनी मैजिक में रेट में बहुत फर्क पड़ेगा अपनी जीतों में, और पिकअप में रेट का बहुत ज्यादा फर्क आता है। और एक बात ये बोलूंगा, जैसे अपन अगर जैसे मान लो केसिंग में ले जाता हूँ, बड़े बड़े केसिंग के आपने व्लॉग देखे ही होंगे, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो केसिंग के व्लॉग आपने देखे हैं, तो भाई केसिंग में अगर 20 फीट के ऊपर रख के लेके जाता हूँ तो बहुत बाहर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर चले जाते हैं, मतलब अपनी तो गाड़ी सिर्फ 7 फीट की है तो 7 फीट के बाद 20 फीट मतलब 13 फीट बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप भाई अगर आप करना चाहेंगे, जैसे आप सोचें कि पूरी कोई परेशानी नहीं हो 20 फीट में गाड़ी में रखा जाए, तो भाई उसके लिए आईसर करना पड़ेगा। आईसर भाई जो 300 रुपए का लोड में गाड़ी में काम हो रहा है या 500 में काम हो रहा है, आईसर ले ही कम से कम 1500-2000, उससे भी कुछ नहीं होना भाई, 1500-2000 भी बहुत बड़े बात, बहुत ज्यादा मांगेगी वो तो, है ना, उसमें मतलब डीजल ही इतना मेरे हिसाब से लग जाएगा 1000-1000 रुपए का। तो ये है सब चीजें। तो भाई छोटे लोड मतलब इन जैसी गाड़ियों में यही लोड मिलते हैं और इनमें लेके जाना पड़ते हैं, तो अगर आप सोचे कि यार ये लोड नहीं रखें और इस पर कोई चालन वाली कोई चीज है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई अगर इसमें काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे, पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं उनके सामने लेके जाते हैं हम लोग ज्यादातर, अपने इधर चलता ही यही है। अब आपके उधर क्या कैसे क्या चलता है ये मुझे पता नहीं है, बाकी हमारे इधर तो यही लोड है ऐसे ही चलता है भाई, गाड़ी घोड़े ट्रांसपोर्टेशन का काम ऐसे ही चलता है। एक मेरी मेजी की नहीं, सिर्फ मेरी जीतो नहीं उठाती, सारी जीतो ज्यादातर जो काम चल रहा है ना यहाँ पे जीतो का ऐसे ही चल रहा है, कोई चादर ले जा रहा है, कोई पाइप ले जा रहा है, कोई सरिया ले जा रहा है, कोई अंडर लोड भी अपनों को सामान मिलता है, जैसे किराने का सामान है, जैसे अब मैं लाइट का सामान, अभी क्या लाइट का सीजन आ चुका है भाई, लाइट का सीजन आ गया है तो लाइट का सीजन जो है अपनों को अब करना पड़ेगा। लाइट के सीजन में एक फायदा ये रहता है, जैसे उस दिन मैं लोड डाल के आया था, उस दिन मेरे को उधारी हुई, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले मैंने वो लोड डाला था उसमें उधारी हुई, तो भाई उसे रिटर्न भी लेने जाना है अपने को, जैसे मान लो अभी 300 रुपए वो देंगे अपने को तो उधर से रिटर्न भी लाना, 3 × 6 हो गए अपने को भाई, एक दिन का गैप मार के वो लोड रिटर्न आएगा। तो ऐसे ही भाई मतलब इसमें रहता है लाइट का सामान वाला, क्योंकि फिटिंग होने जाती है गाड़ी, वापस से जो सामान आता है वो अपनी गाड़ी में आता है, तो उसमें ये फायदा अपने को रहता है, तो उसमें जैकपॉट रहता है दोनों तरफ का, है ना, दोनों तरफ का लोड अपने को मिलना रहता। तो ये था, और अपने बने रहे व्लॉग के अंदर। अभी जो है भाई गोडाउन खुला नहीं है, अभी गोडाउन खुल जाएगा तो अपन अपनी जीतों के अंदर पाइप रखना शुरू कर देंगे, और ज्यादा दूर का लोड नहीं है, ये है भाई 8 किलोमीटर के आसपास का लोड है ना, ठीक है। टाइम बहुत लग जाता है यार, टाइम लग गया बहुत, 20 पाइप है ओनली, रख दो जरा, हाँ 10-10 पाइप है ना, जान दो ये है पाइप भाई अपनी जीतों के अंदर, ये रखाएंगे पूरे लंबे होके ऐसे कैसे, ठीक है, अभी रखते हैं फिर बांधते हैं अपन, फिर चलते हैं अपने सफर पे। भाई अपन निकल रहे हैं सफर पे, पाइप फोन लगाई तो उठाया नहीं मैंने, कब तक भरे हो। तो निकल चुके हैं भाई लोग अपन अपने सफर पे, ट्रांसपोर्टेशन के सफर पे, जैसे आप देख सकते हो ये हाईवे लग चुका है, अब यहाँ से 7 किलोमीटर और 5-7 किलोमीटर और आगे है बस ओनली, अपन को वहाँ पर जाना है। ये भाई अपन आ चुके हैं, इनका रोड रास्ता बहुत कच्चा सा है, देख सकते हो आप, इसी रोड का अपने को चलना है, देखो कितना कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, पहुंच के बताता हूँ आपको पूरी डिटेल। दोस्तों पहुंच चुके हैं अपन यहाँ पर पाइप लेके, देखो
भाई खोल रहा रस्सी और मैं भी खुलवा लेता हूँ थोड़ी सी। बताना पड़ता है क्या उनको? बताना नहीं पड़ता, व्लॉग चैनल है यार मेरा, व्लॉग डालता रहता हूँ पूरी लोडिंग के यूट्यूब पे। अब यहाँ पर उतर जाएंगे भाई, ये हो गया अनलोड। ठीक है चलो उठा 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 लो, कहाँ रखोगे? पटक लो इधर ही डाल दो, उठा के पीछे के तू चलो आने दो। चलो एक मिनट, चलो आ जा। ये भी साइड डालेंगे, उठा उठा रुक जा, चलो लो उठा उठा। किसकी जमीन है यार ये? पूरी भयंकर बाउंड्री हो रही है। अच्छा दोस्तों निकल गए हूँ मैं भाई, काफी मतलब 1.5 किलोमीटर में रीडिंग सेट कर देता हूँ। देखो भाई यहीं से निकला हूँ मैं और ये रीडिंग सेट कर देता हूँ मैं। दिख गई होगी आपको जीरो, दिखा मैंने कर लिया जीरो। ठीक है अब मैं ये कच्चे जो रोड है ये बताऊंगा आपको कितना किलोमीटर अंदर पड़ा अपने को और कितना नहीं पड़ा है। अपनी बात तो खैर उनके घर जाने की थी, अब वो कहना इतना ही मेरा घर पड़ता जितना ये अंदर पड़ रहा है। ठीक है खैर अपना फिलहाल तो 400 रुपए अपन ने ले लिए हैं इस रोड के, काफी बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है। अगर रोड भी ऐसा मिला और अंदर भी मिला तो रहा। ठीक है देखो ये रोड, मैं रोड आपको दिखाता हूँ। दिन से हरियाली नजर आ रही होगी आप लोगों को, काफी बढ़िया रखता है नजारे। एक आगे तालाब खुदा हुआ है वही बताता हूँ देखो मैं आपको। ये न्यूट्रल कर लिया अपन ने भाई, न्यूट्रल में बहुत आवाज कर रही है, न्यूट्रल में चल रही है अपनी गाड़ी क्योंकि ढलान है। आप लोग भी भाई अगर ढलान वाला रास्ता आ जाए तो न्यूट्रल कर लिया करो। कैसा रास्ता है, एनाकोंडा पिक्चर की फिल्म भी याद आ गई भैया मेरे को। रोड पे हाईवे पे मुरम डाली है टोटली लोगों ने। ठीक है ये आपको खुदा हुआ दिख रहा होगा यहाँ से भाई, रोड पे से यहाँ से खुद खुद के ये अपना मेन हाईवे है ना, यहाँ पे डाली हुई है, ये सरकारी जगह थी
ये पूरी ये बड़ला हो चुका है ऐसा कैसे, ये देखो आप देख रहा आपको, यहाँ का पूरा ऐसा कैसे बड़ला हो गया है। यहाँ पर बता रहे थे भाई के अभी बारिश बहुत कम हुई है तो इस वजह से सूख गया है, वरना पूरा भरा रहता है, ये सूखता नहीं। अभी बारिश अगर अच्छी होती तो बारिश तो भाई अगर बहुत ज्यादा कम हुई है, ये बात तो सही है, मानना पड़ेगी इस बात को। ठीक है तो अभी भाई अपनी गाड़ी से बोले 7 किलोमीटर हुई है, मतलब आधा किलोमीटर हुआ अभी और हाईवे अपने को नजर आने लग गया है। देखो हाईवे नजर आने लगा है, ये बड़ला पूरा चल रहा है, ये डैम मतलब इसको एक तालाब कह सकते हैं, तालाब टाइप हो चुका है ये। ठीक है ये तालाब ऐसे ही बने जाते हैं ज्यादातर गांवों में, मतलब जहाँ हाईवे बनना होता है तो कहीं ना कहीं तालाब बन जाते हैं। और ये हाईवे बिल्कुल अपने को सामने नजर आ रहा है और गाड़ी हुई है टोटली 8 पॉइंट हुई है, अभी 1 किलोमीटर नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के आसपास ही है ये। ठीक है ना, तो मतलब 1 किलोमीटर वो और 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर अपने को पड़ा है, और 400 रुपए बढ़िया अपने लोड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया इस लोड में सफर में। वैसा अभी आउट सीजन है तो चलता है इतना सब कुछ, और ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाला आपको मतलब जैसे लाइट वाइट फिटिंग वाला शादी ब्याह में लाइट लगने वाली ऐसे टाइप के ब्लॉग मिलने वाले हैं, हो सकता है आप लोगों को मिले क्योंकि इसका सीजन आ चुका है और दहेज वाला सीजन भी अभी आने वाला है। ठीक है, बने रहे ब्लॉग में और ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है भाई वो लाइक जरूर करके जाए और प्यारे से कॉमेंट छोड़ के जाए। थैंक यू सो मच।